हाय, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। और मेरे प्यारे बच्चों, कल आपकी एग्ज़ामिनेशन है, ऑल दी बेस्ट उसके लिए। और आशा करता हूँ आपने अब तक सारा रिव्यू कर लिया होगा। यू हैव रिवाइज्ड ऑल द कोर्स, ऑल द पॉइंट्स आर ऑन योर टिप्स। ऐसी उम्मीद करता हूँ आपके सारे जो महत्वपूर्ण बिंदु है आपके टिप्स पे होंगे, आपको याद होंगे। अब देखो, दिस इज़ द टाइम फॉर रिव्यूइंग एंड मेक योर सेल्फ बोल्ड एंड कूल। कूल मेंटेलिटी आपकी होनी चाहिए, ठंडे दिमाग से अपने को करना है और ये विश्वास रखना है ना कि जो करोगे आप अच्छा करोगे। देखो, सारे दिन पढ़ के आप जरूर थक गए होंगे, टायर्ड होंगे, मेंटली फिजिकली एग्जॉस्टेड होंगे। ये वीडियो दिस वीडियो इज़ जस्ट फॉर रिव्यूइंग पर्पस। इफ़ यू डोंट हैव मच टाइम, अगर आपके पास टाइम ज़्यादा नहीं है एंड यू आर डूइंग योर ओन कोर्स, आप अपना उसमें लगे हुए हो, आपका अपना पैटर्न है, तो डोंट मूव ऑन, आगे मत जाइए, स्टॉप इट, कोई बात नहीं। बट क्या होता है, हम जैसे ये जो डिजिटल जितने भी मीन्स हमारे लिए हैं, ये क्या होता है, हम बुक्स पढ़ पढ़ के थक जाते थे, तब आपको एक्स्ट्रा एंटरटेनमेंट प्लस नॉलेज दोनों मिलता है। तो उस पर्पज से एक रिव्यू अब देख लोगे। देखो, देयर इज़ अ डिफरेंस ऑफ लुकिंग एट द पेपर्स। पेपर को देखने का भी दृष्टिकोण में फ़र्क होता है। एक टीचर जो होता है उसका अलग दृष्टि होती है उसी पेपर को देखने की, उन्हीं क्वेश्चंस को देखने की, और एक स्टूडेंट की अलग होती है। तो टीचर एग्जामिनेशन पर्पस से देखता है, तो ये मेरा एक प्रयास है। तो डेफिनेटली इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू, मुझे इतना पूरा विश्वास है आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। और इसको एक बार करने के बाद में कोई सा भी सिंथेसिस आ जाए, यू विल बी एबल टू डू इट, आप आसानी से कर लोगे। सो लेट्स मूव ऑन, चलो फिर आगे हम करते हैं। देखो, सिंथेसिस में है, जैसे हमने पहले किया था क्लॉज, वैसे ही इनमें वाक्यों को जोड़ना होता है। दो वाक्य देते हैं और आपको एक वर्ड देंगे, उससे आपको उसको जोड़ना होगा। तो देखो, कंबाइन द फॉलोइंग सेट्स ऑफ सेंटेंसेस इनटू वन सेंटेंस यूजिंग द वर्ड गिवन इन ब्रैकेट। देखो, ये चीज है, यूजिंग द वर्ड गिवन इन ब्रैकेट। ब्रैकेट में एक शब्द आपको मिलेगा और आपको उससे उसे जोड़ना होगा। पहला है द टू फ्रेंड्स क्वेरल्ड, है ना, दो मित्र लड़े। आई कुड नॉट नो दैट रीज़न, मैं जानता नहीं हूँ कारण क्या है, वाई से इसको जोड़ना है। तो देखो, इसमें क्या किया, अगला सेंटेंस पहले ले लिया, आई कुड नॉट नो द रीज़न, वाई को बीच में जोड़ के वाई टू फ्रेंड्स क्वेरल। तो इसमें मोस्टली ऐसा होता है कि सेंटेंसेस को आपको देखना है कहाँ से कौन सा सेंटेंस सेट होता है, तो दूसरा सेंटेंस पहले लेके आई कुड नॉट नो द रीज़न वाई द टू फ्रेंड्स क्वेरल, दोनों वाक्यों को जोड़ा, एक सेंटेंस बना दिया। सिंथेसिस यही है, आपको यहाँ आपके पास पहले दो वाक्य थे, अब आपके पास एक वाक्य बन गया है, ठीक है। इनको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी कहते हैं, तो इसको दिस इज सिंथेसिस। आपके दो क्वेश्चंस आएंगे इस पर 2 मार्क्स के, और ये बहुत इजी होते हैं, एक थोड़ा सा ट्रिकी दे सकते हैं वो, बाकी एक तो बिल्कुल ईजी होता है। दूसरा देखिए, रमेश बॉट ए बुक, रमेश ने किताब ली, इट वॉज़ वेरी इंटरेस्टिंग, वो बहुत इंटरेस्टिंग थी, ठीक है। और इसको हमें विथ से जोड़ना है। देखो, रमेश बॉट ए बुक विच वॉज वेरी इंटरेस्टिंग, हमने कल भी बात की थी, विच का प्रयोग निर्जीव वस्तुओं के लिए किया जाता है, दैट का, विच का, तो वो बहुत उपयोगी है, ठीक है। और कोई पर्सन हो तो हु का प्रयोग किया जाता है। अच्छा, खैर इसमें इन्होंने आपको बता रखा है उसका प्रयोग करना है। वर्क हार्ड यू विल गेट सक्सेस, इफ का करना है यदि से, तो इसमें हो जाएगा इफ से शुरू करके, इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल गेट सक्सेस, अगर आप कठोर परिश्रम करोगे तो आप सफल हो जाओगे। देखो, इसके बाद फोर्थ है, ही फिनिश्ड हिज वर्क, उसने अपना काम समाप्त कर लिया। ही वेंट टू द हॉस्पिटल, और वो हॉस्पिटल चला गया, हैविंग फिनिश्ड से, मतलब हैविंग फिनिश्ड मतलब समाप्त कर चुकने के बाद, ये पार्टिसिपल बोलते हैं इसको, हैविंग फिनिश्ड, ठीक है। तो इसको हो जाएगा, हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क ही वेंट टू द हॉस्पिटल, ये बाकी का प्रारंभ हो जाएगा इससे, हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क ही वेंट टू द, मतलब इस तरह के जो वाक्य होते हैं वो सब्जेक्ट में आते हैं, उनसे वाक्य शुरू होता है। फिफ्थ है, देखो, विल ही कम, आई डू नॉट नो, वेदर से, वेदर और इफ दोनों बहुत आर सेम है ना, WHETHER, ये वेदर का मतलब इफ होता है, ये हम बहुत बार डायरेक्ट इनडायरेक्ट वगैरह में भी देखते हैं इसको। तो देखो, आई डू नॉट नो वेदर ही विल कम, आई डू नॉट नो, तो देखो एक बहुत ही सिंपल पैटर्न बार बार आता है। आपको जो दो वाक्य दिए, जो दूसरा वाक्य है उसको पहले लगा के बीच में उसको जोड़ के पहला, मैं मतलब सीखने के प्रैक्टिकल वेज आपको बता रहा हूँ, बहुत बार आपके अगर समझ में नहीं आता तो दोनों के बीच में लगा दो, नहीं तो पहला दूसरा वाक्य आगे लगा के, जो उन्होंने आपने को वर्ड दिया उसको लगा के पहले वाक्य को बाद में जोड़ दो, अगर कुछ समझ में ना आए तो, ठीक है।
आगे देखो, यू मस्ट राइज अर्ली, यू विल इम्प्रूव योर हेल्थ। इन्फिनिटिव से शुरू करना है। देखो इन्फिनिटिव होता है टू प्लस फर्स्ट फॉर्म। इन्फिनिटिव किसको बोलते हैं? टू प्लस फर्स्ट फॉर्म को इन्फिनिटिव बोलते हैं। तो देखो इसमें हो जाएगा, यू मस्ट राइज अर्ली टू इम्प्रूव योर हेल्थ। बस आपको ये पता होना चाहिए इन्फिनिटिव का मतलब क्या होता है। टू प्लस फर्स्ट फॉर्म इज इन्फिनिटिव। टू प्लस फर्स्ट फॉर्म जोड़ के हमने वाक्य बना लिया। सेवंथ है, द रोज इज ए ब्यूटिफुल फ्लावर, है ना। रोज बहुत सुंदर फ्लावर है, फूल है। इट इज सर्टेन, ये एक निश्चित बात है, सर्टेनली से, है ना, निश्चित रूप से। तो द रोज इज ए सर्टेनली ब्यूटिफुल फ्लावर, निश्चित रूप से रोज़ जो है एक खूबसूरत फ्लावर है, फूल है। एट से देखो, ही विल गेट थ्रू द एग्जामिनेशन, वो एग्जामिनेशन गेट थ्रू कर लेगा, पास कर लेगा। देखो आपके फ्रेजल वर्ब भी हैं, है ना। शाम को मैं एक वीडियो आपको फ्रेजल वर्ब का भी दूंगा, जिसमें हम फ्रेजल वर्ब के बारे में एक थोड़ा डिस्कशन कर लेंगे। देखो क्या होता है, लास्ट मिनट रिव्यू बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है बहुत बार, जो मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। कई बार कहते हैं ना, क्या है पढ़ लिया हमने, कल नहीं। लास्ट मिनट का रिव्यू मतलब आपका मोटो, आपका सिद्धांत होना चाहिए आखिरी बॉल तक संघर्ष। जैसे क्रिकेट में बॉल होती है ना लास्ट बॉल तक, बड़ा मज़ा आता है फिर पढ़ने का, पढ़ाने का, है ना, आपको एग्जामिनेशन देने का। तो इसलिए बिल्कुल आखिरी बॉल तक। इसका मतलब ये नहीं है कि आप परेशान हो जाओ, मेंटली बॉदर्ड हो जाओ, रात को 2 बजे तक पढ़ो। नो, आई एम नॉट सेइंग दैट, मेरा मतलब ये नहीं है। 10 बजे सो जाओ आराम से, सुबह ठंडे ठंडे में उठ के ठंडे दिमाग से एग्जामिनेशन दो, माइंड बिल्कुल फ्रेश रखो। मेरा ये वो नहीं है कि आप आधी रात तक बैठ के जागो। अपने मन को, तन को, दोनों को आराम दो और इन चीज़ों को दोहराते रहो, रिव्यू करते रहो, घूमते हुए, कान में लगाया, वीडियो सुन रहे हैं, देख रहे हैं, घूम रहे हैं, अपना बैठे 2 मिनट जो इधर उधर बातों में लगाते हैं टाइम, उसमें ज़रा वीडियो देख लिया, पुराने वीडियो निकाल लिए, तो क्या होगा, वो चीज़ें आपके दिमाग में फ्रेश हो जाएंगी। और मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ वीडियो देखो, आप बुक्स में दूसरी चीज़ें देख सकते हो, आपका जो पढ़ने का तरीका है उसके हिसाब से चल सकते हो। इट्स जस्ट माय एफर्ट, ये आप लोगों के साथ मेरा प्रयास है ना। आप अकेले नहीं हो, आप ही नहीं पढ़ रहे, मैं भी पढ़ रहा हूँ आपके साथ। ये एग्जामिनेशन सिर्फ आपकी नहीं है, मेरी भी है ना, हम सब की है। तो ये एक चीज़ मेरे दिमाग में है, तो हमें सबको मिल के इसको अच्छे से करना है, ठीक है। ओके, नाउ ही विल गेट थ्रू द एग्जामिनेशन, इट इज़ श्योर, दैट से करना है। तो इट इज़ श्योर दैट ही विल गेट थ्रू द एग्जामिनेशन, ये निश्चित है कि वो ये एग्जामिनेशन गेट थ्रू कर लेगा, पास कर लेगा। हाँ, अच्छा जी, नाइन्थ है, देखो, द सन रोज, इट फिल द स्काई विद लाइट। एंड से जोड़ना है, कहीं तो बहुत सिंपल आएंगे, जैसे सूर्य उदय हुआ, पहला वाक्य, इट फिल द स्काई विद लाइट, और उसने क्या किया, आसमान को प्रकाश से भर दिया। बहुत सिंपल है, इसको एंड से जोड़ते पूरा वाक्य बन जाएगा, है ना। कहीं तो आप देखते समझ जाओगे ये है, लेकिन एक जरूर ट्रिक आएगा, एक टफ वो देते हैं, दोनों आसान वो नहीं देते। देखो, द सन रोज, सूर्य उदय हुआ एंड फिल्ड द स्काई विद लाइट, और आसमान को प्रकाश से भर दिया। अच्छा, गुड बॉयज़ वर्क, पहला वाक्य, बैड बॉयज़ मेक मिस्टेक्स, और अच्छे बच्चे काम करते हैं और बुरे बच्चे मिस्चीफ, सॉरी, और बुरे बच्चे शरारतें करते हैं। देखो बट का मतलब होता है आप किसी चीज़ में बट लगा रहे हो, किंतु लगा रहे हो, तो उसमें प्रश्न चिन्ह लगाते हो तब बनता है। तो इसमें हो जाएगा, देखो, गुड बॉयज़ वर्क बट बैड बॉयज़ मेक मिस्टेक्स। बहुत बार तो दोनों वाक्यों के बीच में खाली आपको जोड़ना ही होता है। आगे देखो, फॉरेस्ट चेक सॉइल इरोजन, जो जंगल है वो मिट्टी के अपरदन को रोकते हैं, पहला वाक्य। दे ऑल्सो गिव अस टिम्बर, और वो हमें लकड़ी भी देते हैं, नॉट ओनली बट ऑल्सो। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में जरूर जरूर आता है, नॉट ओनली बट ऑल्सो का प्रयोग। देखो इसमें एक बार आप ध्यान रखना, नॉट ओनली लिख के डैश 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 है, फिर बट ऑल्सो है, इसका मतलब है नॉट ओनली एक जगह लगेगा, फिर कुछ आएंगे वर्ड्स आएंगे, कोई वाक्य का पैटर्न आएगा, फिर बट ऑल्सो आएगा, मतलब ये एक साथ नहीं आता, नॉट ओनली बट ऑल्सो, है ना। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रयोग है, परीक्षा में जरूर जरूर आता है। तो देखो इसमें है, फॉरेस्ट नॉट ओनली चेक सॉइल इरोजन बट ऑल्सो गिव अस टिम्बर, जो जंगल हैं वो हमें ना केवल
मिट्टी का प्रदन रोकते हैं बल्कि हमें लकड़ी भी देते, नॉट ओनली बट ऑल्सो। आपको दो फायदे बताए, ना केवल ये बल्कि ये भी, यूँ है ना, जैसे नाइदर नॉर है, इधर और है, इनके प्रयोग भी सेम होते हैं, है ना, तो ये ना ये, नाइदर नॉर, दो चीज़ अगर नकारात्मक है, इधर और एक विकल्प है, या तो ये या तो ये, तो इधर और है, निधर नॉर है, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये सारे प्रयोग एग्जामिनेशन की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है। अच्छा देखो, ट्वेल्थ है, द बॉय राइट ए लेटर, है ना, लड़का एक पत्र लिखता है। अगला है, ही वेंट टू स्कूल, और वो स्कूल गया। आफ्टर, ये थोड़ा सा टफ है, देखो इसमें आफ्टर द बॉय हैड, इसमें आपको थोड़े वाक्य को भी आपने बदला है, राइट की जगह आपने हैड रिटन किया, आफ्टर द बॉय हैड रिटन ए लेटर ही वेंट टू स्कूल, तो लिख चुकने के बाद में, है ना, लेटर लिख चुकने के बाद में बच्चा स्कूल चला गया। देखो नेक्स्ट है, ही वॉज हंग्री, वो भूखा था, पहला वाक्य है, ही एट टू एप्पल्स, और वो दो सेब खा गया, सो इसलिए, है ना, जैसे बिकॉज है, देयर फोर है, क्योंकि होता है, सो मतलब इसलिए, मिलते जुलते से बहुत सारे वर्ड्स है जो यूज़ होते हैं सिंथेसिस में। देखो इसमें हो जाएगा, ही वॉज हंग्री, वो भूखा था, सो ही एट टू एप्पल्स, मतलब जो लॉजिक के बाद में उसको लगाएंगे, पहले वाक्य को पढ़ो, लॉजिक देखो, बट कहाँ लगाना है, सो कहाँ लगाना है, देयर फोर कहाँ लगाना है, वेन एवर कहाँ लगाना है, वॉट एवर कहाँ लगाना है, विच कहाँ लगाना है, हुम कहाँ लगाना है, हू कहाँ लगाना है, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। फिर मैं बता रहा हूँ, नहीं समझ में आता है तो दोनों के बीच में लगा देना, फिर भी नहीं बैठता तो दूसरा वाक्य आगे लगा के बीच में वो लगाया, पहला वाक्य उसके बाद में जोड़ दिया, ठीक है। बहुत सारे ऐसे चीज़ें होती हैं, टिप्स होती हैं, जो कई बार माइंड ब्लैंक हो जाता है, समझ में नहीं आता क्या करें, तो ऐसी स्थिति में आपको इन चीज़ों का, टिप्स का प्रयोग कर लेना चाहिए। आगे देखो, आई हैव टू बुक्स, मेरे पास दो किताबें हैं, पहला वाक्य, दूसरा आई हैव टू रीड देम, मुझे उनको पढ़ना है। इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव का प्रयोग करना है, मैंने आपको अभी बताया था इन्फिनेटिव क्या होता है, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म को इन्फिनेटिव बोलते हैं, इन्फिनेटिव का आता है, पार्टिसिपल का आता है, पार्टिसिपल भी दो तरह के होते हैं, है ना, तो ये सब सारी चीज़ें काफ़ी डेप्थ में होती हैं, अभी ये वक्त भी नहीं है इन बातों का, लेकिन जस्ट गो थ्रू विद दिस एक्सरसाइज, इन चीज़ों से हम एक बार दिमाग से निकाल लें, स्कैन कर लें बस, यूँ नहीं कि हम मॉडल पेपर इनमें उलझ जाएँ, है ना, जितना हम डेप्थ में जाएंगे उतना एग्जामिनेशन में आपको डेप्थ का पता वहाँ चलता है, नहीं बच्चे फिर ऊपर नीचे इधर उधर ताकाथुकी करते क्या करें, वैसे नौबत ना आए, वैसे एफर्ट तो अपना शुरू से ही होना चाहिए, लेकिन फिर भी अब जो भी है, जिन बच्चों की अगर तैयारी कम भी है तो भी अंत तक कोशिश करते रहो तो चीज़ें बढ़िया हो जाती हैं। बहुत बार देखो, आई हैव टू बुक्स टू रीड देम, इन्फिनेटिव में टू प्लस फर्स्ट फॉर्म लगा दी, टू रीड देम, ओके। आगे देखो, 15th है, ही इज़ लिविंग फॉर दिल्ली, है ना, वो दिल्ली के लिए जा रहा है, पहला वाक्य, ही विल लिव देयर, वो वहीं रहेगा, ये क्या है, फिर इन्फिनेटिव है, टू का प्रयोग करना है, ठीक है, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म, तो वही, ही इज़ लिविंग फॉर दिल्ली टू लिव देयर, वो दिल्ली से जा रहा है रहने के लिए, ठीक है, दिल्ली जा रहा है रहने के लिए। आगे देखो, वर्क हार्ड यू विल नॉट पास अनलेस, बहुत इंपॉर्टेंट प्रयोग है अनलेस का, याद रखना, अनलेस का मतलब होता है इफ़ नॉट, यदि नहीं, बहुत बार आता है, बड़े कॉम्पिटिशन्स में भी आता है, आपके भी जरूर आता है, अनलेस इफ़ नॉट इज अनलेस, इफ़ नॉट इज अनलेस, इसमें अनलेस का प्रयोग करना है। देखो क्या है, देखो इसमें हो जाएगा, अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल नॉट सक्सेस, जब तक नहीं, तो यहाँ इफ़ नॉट है, ये पॉजिटिव दिख रहा है लेकिन वाक्य नेगेटिव है, ये अनलेस का मतलब कारनामा है ना, इसका मतलब होता है इफ़ नॉट, तो अगर आप, इफ़ यू डू नॉट वर्क हार्ड, इसका मतलब है इफ़ यू डू नॉट वर्क हार्ड, ठीक है, तो अनलेस का में नॉट होता है, ध्यान रखना, अनलेस में नॉट समाहित होता है, इट्स ए नेगेटिव वर्ड, अनलेस बराबर इफ़ नॉट, अनलेस बराबर इफ़ नॉट, रिमेंबर इट, याद रखना, परीक्षा में जरूर जरूर से इस तरह की चीज़ें आती हैं। अच्छा अगला है, देखो वर्क हार्ड, परिश्रम करो, कठोर परिश्रम करो, यू विल नॉट पास, नहीं करोगे तो पास नहीं होगी, इफ़ का प्रयोग एक सिंपल है, इफ़ यू डू नॉट वर्क हार्ड यू विल नॉट पास, अगर आप परिश्रम नहीं करोगे तो पास नहीं होगी। 18th है, बी क्विक, जल्दी करो, पहला वाक्य है, दूसरा यू विल बी लेट, आप लेट हो जाओगे, और का मतलब देखो आपके एग्जामिनेशन भी में भी आता है ना, और बीच में दो वाक्य क्वेश्चन के बीच में या तो ये करो या ये करो, तो मतलब ये परिस्थिति जन्य है, तो इसमें हो जाएगा बी क्विक और या तो आप जल्दी करो, नहीं तो क्या होगा, यू और यू विल बी, अन्यथा तुम लेट हो जाओगे, तो और का मतलब अन्यथा भी होता है, और एग्जामिनेशन में जो आता है और उसका मतलब अथवा होता है।
अच्छा जी, आगे देखो, ये बहुत अच्छा प्रयोग है। देखो, टू टू का प्रयोग आता है आपके, द हॉर्स इज़ वेरी वाइल्ड, जो घोड़ा है बहुत जंगली है, इट कैन नॉट बी कंट्रोल्ड, इसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता। तो देखो टू टू का प्रयोग है, टू टू का प्रयोग बहुत बार आता है, बहुत अच्छा प्रयोग होता है। देखो इसमें फिर अपने को ध्यान से देखना है, टी डबल ओ के बाद फिर डैश 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 लगाया है उन्होंने और फिर टू लिखा है, इसका मतलब है कि ये एक साथ नहीं आएंगे, एक जगह टू आएगा फिर वाक्य आएगा फिर टू आएगा, ये रिमेंबर इट, जैसे नॉट ओनली बट ऑल्सो था, इधर और था नीधर नॉट था, लेकिन एज है देयर फोर है वो एक साथ आते हैं, सो दैट है वो एक साथ आते हैं। तो आप जरा ध्यान से पेपर को भी देखना है, बहुत बार बच्चे पेपर को देखते नहीं, वर्ड्स को ढंग से देखते नहीं हैं, उसको देख के ठंडा रख के दिमाग को, जल्दबाजी नहीं, बड़े आराम से, खूब समय है करने के लिए, जितना आप दिमाग को उस समय में है ना, आपके 9 से 12 तक का जो समय, जितना दिमाग को फोकस करोगे ना उतना अच्छा पेपर कर पाओगे, बिल्कुल घबराने वाली कोई बात नहीं, ठंडे दिमाग से करोगे बहुत अच्छा पेपर होने जा रहा है आपका, ये मान के चलो। चलो आगे देखते हैं, देखो टू टू का प्रयोग है इसमें, लेट्स सी दिस वन, देखो द हॉर्स इज टू वाइल्ड टू बी कंट्रोल्ड, ये टू टू का प्रयोग इस तरह होता है, द हॉर्स इज टू वाइल्ड टू बी कंट्रोल्ड, इसमें टी डबल ओ होना चाहिए था, गलती से मैंने एक ही लगा दिया ना, टू टू टी डबल ओ है इसमें ना, बहुत अधिक, टी डबल ओ मतलब होता है वेरी, टी डबल ओ टू मतलब वेरी, द हॉर्स इज वेरी वाइल्ड टू बी कंट्रोल्ड है ना, यहाँ टी डबल ओ होना चाहिए था, ध्यान रखना थोड़ा सा इसका। अच्छा आगे देखो, द सीलिंग इज़ वेरी हाई, छत बहुत ऊँची है, यू कैन नॉट टच इट, आप इसको नहीं टच कर सकते, इनफ टू, कोई बात है, इनफ अलग वर्ड है, टू अलग है, दोनों को अलग अलग जगह लगाना है, द सीलिंग इज़ हाई इनफ फॉर यू टू टच, द सीलिंग इज़ हाई इनफ फॉर यू टू टच, इसमें थोड़ा सा प्रोनाउन सर्वनाम का देखना, जो सर्वनाम कहाँ लगना है कहाँ नहीं लगना है। देखो जब दो वाक्यों से एक वाक्य बनाते हैं तो कुछ शब्द हटते हैं, उनका आपको ध्यान में रखना है, सर्वनाम विशेष रूप से हट जाता है। ही वॉज वेरी वीक, वो बहुत कमज़ोर था, पहला वाक्य, ही कुड नॉट रन फास्ट, इसलिए वो तेज़ी से दौड़ नहीं पाया। देखो इसमें सो दैट का प्रयोग करना है, अब ये ध्यान रखना, एक सो दैट होता है जो साथ में आता है, आगे आएगा वो, ये है सो के बाद डैश 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 फिर दैट, इसका मतलब एक जगह सो लगेगा दूसरी जगह दैट लगेगा और वाक्य का निर्माण होएगा, बीच में सेंटेंस लगेगा, एक साथ मत जोड़ देना इनको, ये ध्यान रखना। तो खैर, ही वॉज सो वीक दैट ही कुड नॉट रन फास्ट, वो इतना कमज़ोर था कि वो तेज़ दौड़ नहीं पाया। अगला भी सेम है सो दैट का, दे पुल्ड वेरी हार्ड, उन्होंने बहुत ज़ोर से खींचा, पहला वाक्य, दूसरा दे द लॉग केम आउट ऑन द बैंक, और जो तना था पेड़ का वो बैंक पे किनारे पे आ गया, नदी के किनारे, सो दैट, तो दे पुल्ड सो हार्ड है ना, उन्होंने इतनी ज़ोर से खींचा, सो हार्ड मतलब वेरी हार्ड, दैट द लॉग केम आउट ऑन द बैंक, कि वो जो तना था वो बैंक में आ गया। अगला देखो 23rd, शी हायर्ड ए टैक्सी, उसने एक टैक्सी किराए पे ली, पहला वाक्य, और शी कुड रीच द एग्जामिनेशन सेंटर इन टाइम, सो दैट, देखो ये आप ध्यान रखना, यहाँ कोई डैश नहीं है, ये सो दैट एक साथ आएगा, इसीलिए मैंने ये वाक्य आपको दिया है, वो वाक्य सो दैट का अलग है, ये अलग है ना, ताकि, इसका मतलब क्या है, ताकि, देखो इसमें हो जाएगा, शी हायर्ड ए टैक्सी, उसने एक टैक्सी किराए पे ली, सो दैट शी कुड रीच दिस एग्जामिनेशन, ताकि वो एग्जामिनेशन सेंटर पे समय पे पहुंच सके, रिमेंबर इट। अच्छा आगे देखो 24th है, ही रीच्ड द स्कूल गेट, वो स्कूल गेट पे पहुंचा, द फर्स्ट पीरियड स्टार्टेड, पहला पीरियड स्टार्ट हो गया था, एज, यहाँ एज का मतलब होता है जैसे ही, एज जैसे ही, तो इसमें हो जाएगा एज ही रीच्ड द स्कूल गेट, यहाँ ये सब्जेक्ट बन जाएगा ना, बाकी के प्रारंभ में आ जाएगा, जैसे ही वो स्कूल गेट पे पहुंचा, द फर्स्ट पीरियड स्टार्टेड, पहला पीरियड स्टार्ट हो गया। अच्छा 25th देखो, द पोइटेस स्टूड द टू रिसाइट हर पोइम्स, कवियत्री खड़ी हुई अपनी कविताओं का वाचन करने के लिए, द ऑडियंस अपलोडेड हर वार्मली, अपलोडेड तालियां बजाना, जो ऑडियंस था दर्शक लोग थे उन्होंने तालियां बजाई बड़ी गर्मजोशी से, नो सूनर देन, बहुत इंपॉर्टेंट है नो सूनर देन, मतलब होता है जैसे ही वैसे ही, इसको बोलते हैं नो सूनर, जैसे ही वैसे ही। अब देखो जो आपको इम्पोर्टेंट बात बतानी है, नो सूनर के साथ में डिड आता है, ऐसे मैं एग्ज़ाम में आपको क्लास में बता चुका हूँ लेकिन फिर भी बहुत बार याद नहीं रहता, नो सूनर के साथ क्या आता है, डिड आता है,
डिड आएगा तो फर्स्ट फॉर्म आएगी, प्लस फर्स्ट फॉर्म आएगी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है इसलिए एग्जामिनेशन में देखो यही चीज़ें आती हैं जो थोड़ी ट्रिकी चीज़ें होती हैं जो बच्चों को, ताकि पता पड़े ना किसने मेहनत की किसने नहीं की। एंड और बट के प्रयोग तो आ जाएंगे, एक आ जाएगा, दूसरा कुछ ऐसा ही आएगा, ताकि उसमें पता पड़े हु वर्क्ड हार्ड थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल किसने मेहनत की। तो देखो इसमें मैंने आपको बता दिया, फिर याद रखना नो सूनर के साथ डिड आएगा, आता है नो सूनर लगा के डिड लगाना है, फर्स्ट फॉर्म लगानी है, फिर आगे देन का प्रयोग करना है, ठीक है। तो देखो इसमें हो जाएगा नो सूनर डिड द पोइटेस स्टैंड टू रिसाइट, जैसे ही जो कवियत्री है कवि अपनी कविताओं के लिए खड़ी हुई रिसाइट करने के लिए ना, उनको वाचन करने के लिए हर पोइम्स, देन द ऑडियंस अपलोडेड हर, तब ऑडियंस ने, ये देखो देन यहाँ आया है, देखो टी एच ए एन है, ध्यान रखना टी एच ई एन नहीं होता, ये टी एच ए एन होता है ये, है ना, तब जो उन्होंने अपलोड किया उसको तालियां बजे। अच्छा अब लास्ट है देखो, ही एंटर्ड द रूम, वो कमरे में प्रवेश किया उसने, पहला वाक्य। दूसरा द स्नेक बिट हिम, सांप ने उसको काट लिया, तो इसमें अपना है देखो एज सून एज से, कहाँ से है एज सून एज, जैसे ही, वो एज जैसे होता है ना, उसमें थोड़ा थोड़ा फ़र्क है, जैसे एज जैसे ही, एज सून एज बिल्कुल जैसे, एक चीज़ तो देखो इसमें क्या है, एक चीज़ हुई उसके बाद दूसरी हुई, और एक होता है एक हुई और साथ में दूसरी हुई, सिमिल्यूटनसली एक साथ, तो कुछ बड़े बारीक बारीक सा इनमें फ़र्क होता है, माइन्यूट माइन्यूट। खैर तो एज सून एज देखो इसमें हो जाएगा, ये शुरू में लगेगा एज सून एज ही रीच्ड द रूम, जैसे ही वो रूम में पहुंचा, द स्नेक बिट हिम, सांप ने उसको काट लिया। तो बच्चों ये एक छोटा सा मेरा एक मैंने आपको सिंथेसिस का दिया है, एक बार इसको अच्छे से कर लेना, तो मुझे नहीं लगता आप कहीं भाई नो सूनर के साथ डिड लगाना है, रिमेंबर इट, याद रखना डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म आएगी, याद रखना नॉट ओनली बट ऑल्सो, अलग अलग आता है, सोड दैट अगर साथ में तो साथ में आएगा, डैश डैश लगी है तो अलग अलग आएगा, है ना, हु का लगेगा, विच का लगेगा, होम, ये हमने कल भी किया था, क्लॉजेज में भी यही सब था, तो ये चीज़ें काफ़ी मिलती जुलती हैं एक दूसरे से, है ना। और एक फ्रेजल वर्ब बच्चों में बड़ी दिक्कत होती है, फ्रेजल वर्ब में याद करना एक समस्या सी लगती है ना, वो मैं आज आपको इवनिंग में ज़रूर फ्रेजल वर्ब की ट्राई करूँगा और डेफिनेटली आपको दे दूँगा, तो अगर इफ़ यू हैव टाइम, आपके पास समय हो या बैठे हो खाली, थक गए हो, मेंटली फिजिकली एग्जॉस्टेड हो गए हो, थक गए हो, जस्ट वॉच एक बार देख लो, ब्रेन बड़ा, अपना ब्रेन परमात्मा ने ऐसा दिया है, बड़ा तेज होता है ना, अपन इसको काम में नहीं लेते, इसको जब आप जब देखोगे ना वीडियोस को, इनको देखोगे अपने आप एब्जॉर्ब हो जाएगा, ये आपको एग्जामिनेशन हॉल में पता पड़ेगा कि कितना हमें काम आ रही है मेहनत, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक एंड वन मोर वीडियो आई विल सेंड यू इन द इवनिंग, एक वीडियो और मैं आपको भेजूँगा, और बेस्ट ऑफ लक अगेन, स्टे कूल एंड बस ये होगा कल, वेरी वेरी गुड लक, थैंक्स फॉर वॉचिंग।